टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ में आपको मिलने वाली है, मतलब इंडियन रोड्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ में आफ्टर 2023 के मार्च या फिर अप्रैल के बाद में, क्योंकि इस गाड़ी को लॉन्च किया जाने वाला है मोस्टली ऑटो एक्सपो के अंदर और उसके बाद इसकी बुकिंग्स या फिर डिलीवरीज वगैरह स्टार्ट हो जाने वाली है। तो अगर आपको जानना है नेक्सॉन फेसलिफ्ट के बारे में डिटेल में कि इस गाड़ी के साथ में कौन सी चीज़ें एग्जैक्टली नहीं आने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या सीन होने वाला है नई वाली नेक्सॉन के साथ में, कितने फीचर्स आएंगे, क्या लॉन्च डेट के ऊपर लॉन्च होगी, क्या प्राइसिंग के साथ में आएगी और इंटीरियर और एक्सटीरियर के अंदर कितने चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी वाली नेक्सॉन के कंपैरिजन में। तो ये अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हो कि नेक्सॉन को मुझे प्लान कर रहा है लेना है, तो फिर आपके लिए भी ये वीडियो हो सकती है। और अगर आपको ऐसे रीजंस के बारे में जानना है कि मुझे क्यों एग्जैक्टली मुझे क्यों रुकना चाहिए नए वाले नेक्सॉन के लिए, तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हो। वहाँ पे हमने आपको नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लिए क्यों रुकना चाहिए ऐसे पर्टिकुलर रीजंस के बारे में बताया, तो प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको नेक्सॉन के बारे में डिटेल में ऐसे जानना है कि गाड़ी की फेसलिफ्ट के अंदर कितनी चीज़ें आने वाली है, तो इस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हो, एंड तक देख लेना ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना करो। और वीडियो एंड तक आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे जो कि होने वाला है हमारा एक्सटीरियर, की गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर कितनी चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी वाली के मुकाबले जो नहीं आने वाले। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करेंगे, ग्रिल आपको चेंज देखने को मिलेगी, हेडलैम्प्स का सेटअप आपको थोड़ा बहुत ट्विक्स के साथ में आएगा क्योंकि अभी फेसलिफ्ट के साथ में भी हेडलैम्प्स को थोड़ा सा ट्विक किया था, तो इस वजह से अभी जो नेक्स्ट फेसलिफ्ट आएगी उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ट्विक्स के साथ में आएगी और DRL की जो पोजीशनिंग है, प्लेसमेंट है, वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। फ्रंट ग्रिल के अलावा रेडिएटर ग्रिल भी चेंज होगी, तो इस वजह से फ्रंट बम्पर आपको चेंज देखने को मिलेगा और रीति रिवाज भी ये हो चुका है, मतलब कि ऐसे जब फेसलिफ्ट आती है तो कोई भी ब्रांड हो अपनी गाड़ी के बम्पर्स तो चेंज करते ही करते हैं, तो ये तो चीज़ होने वाली है। फ्रंट बम्पर के साथ साथ आपको फॉग लैंप्स का सेटअप या फिर फॉग लैंप्स की डिज़ाइन प्लेसमेंट भी चेंज हुए देखने को मिल सकते हैं। साइड से बात करें तो साइड में कोई भी चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा क्योंकि डायमेंशन वाइज गाड़ी सेम रहने वाली है, टायर साइज़ भी सेम रहने वाली है और हो सकता है मतलब अलग व्हील्स की डिज़ाइन चेंज हो सकती है, वहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि चेंज हो सकती है, वो कॉस्मेटिक चीज़ों के अंदर आती है, तो इस वजह से फेसलिफ्ट के अंदर वो कवर अप हो सकती है, तो इस वजह से साइड में सिर्फ अलग व्हील्स की डिज़ाइन आपको चेंज देखने को मिलेगी। और एक चीज़ है कि गाड़ी के अंदर क्रोम डोर हैंडल्स ऐड कर दिए जाएंगे, मतलब गाड़ी के जो जैसे हैरियर के अंदर आते हैं नॉर्मल वाले फेसलिफ्ट के अंदर, मतलब जो एडिशंस नहीं है उनके अलावा जो भी वेरिएंट्स आप देखते हो वैसे क्रोम डोर हैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे हैरियर फेसलिफ्ट के, मतलब नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ में। उसके साथ साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ड्राइविंग डोर्स के, मतलब ड्राइविंग डोर के अलावा पैसेंजर डोर जो फ्रंट का होता है वहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एक्सटीरियर के अंदर और ज़्यादा बात करें तो रियर के अंदर आपको कोई भी चेंज देखने को, ऐसे बड़ा मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। रियर टेल लैंप्स के अंदर ट्विक्स हो सकता है, मतलब वहाँ पे तो ट्विक्स हो गई, रियर बम्पर चेंज होगा, तो उसके अलावा और कोई भी चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। गाड़ी के साथ में ठीक ठाक ड्यूअल टोन कलर्स के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, सिंगल पेन सनरूफ आपको मिलेगा विद द शार्क फिन एंटीना, सिंगल पेन सनरूफ अमेजॉन एलेक्सा के साथ में आ सकता है और अगर ऐसा नहीं होता फिर भी वॉइस असिस्टेंट के साथ में तो आने ही वाला है। अब बात करेंगे इंटीरियर के बारे में कि गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कितनी चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो अभी वाले के मुकाबले नहीं होगी या फिर थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करेंगे तो वो चेंज हो जाने वाला है, अभी वाली का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज़ पर दी कस्टमर रिव्यूज़ वो थोड़ा बहुत भी मतलब बेकार सा ही लगता है हर किसी को और इजी टू रीड नहीं है, कन्वीनियंट फायदा नहीं करता है जब भी आप गाड़ी को ट्रिपल डिजिट्स की स्पीड के ऊपर भी चलाते हो, तो थोड़ा बहुत अनोइंग भी हो जाता है क्योंकि डिजिटल में आपको ज़्यादा बड़े फॉन्ट के अंदर वो स्पीड भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे रिव्यूज़ हमने पढ़े थे एज़ पर दी कस्टमर ओपिनियन, तो ये सारी चीज़ों को चलते आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स ऐसा डिसीजन ज़रूर लेने ही वाली है क्योंकि वो लोग ऐसे अच्छे खासे अपडेट जो अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग होते हैं वो ज़रूर करते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो और वो आ भी सकती है 90% केस है। वायरलेस चार्जर आपको देखने को मिलेगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स के साथ साथ आपको फ्रंट आर्मरेस्ट भी कूलिंग फंक्शन के साथ में देखने को मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट देखने को मिलेगी, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिलेगा,
रियर सीट के ऊपर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगी, रियर एसी वैन मिलेंगे और गाड़ी के अंदर अभी 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट जो है वो शायद हो सकता है सिर्फ आपको बूट के अंदर देखने को मिले, जैसे पहले एस्ट्रे वगैरह के साथ में पहले इंटीरियर के अंदर दे दिया करते थे ब्रांड्स, लेकिन अब वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको सिर्फ बूट के अंदर देखने को मिलेगा ताकि आप वापस वहाँ से एक्सेस कर पाओ अपने इन्फ्लेटर को। तो इस वजह से आपको टाइप सी के और टाइप ए के ज़्यादा पोर्ट्स इंटीरियर के अंदर गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला और एक अच्छा एडिशन आप बोल सकते हो। लेदर अपहोल्स्ट्री की डिज़ाइन थोड़ी बहुत चेंज हो जाने वाली है, तो कुल मिला के ये सारे चेंज आप इंटीरियर के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी आप हमें बताना आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग या फिर आपका अगर कोई भी रिकमेंडेशन है या फिर आपका कोई भी सजेशन है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी या फिर हो सकती है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। अब बात करेंगे हम इंजन ऑप्शंस और गेयरबॉक्स की, तो वहाँ पे कितने चेंज हो गए उनकी बात करेंगे। देखो अभी तो 1.5 लीटर डीजल और 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल आने वाला है, लेकिन चेंज क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 लीटर डीजल के साथ में आपको 6 स्पीड का मैनुअल और AMT मिलता है जो कि 5 स्पीड का है। वहाँ पे हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसे हो सकता है कि गाड़ी के साथ में आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर प्रोवाइड करवा दिया जाए AMT को हटाकर, और जो 1.2 का टर्बो है वहाँ पे उन लोगों के पास ऑलरेडी 7 स्पीड का DCA अवेलेबल है, तो वो उसको तो ज़रूर लगा सकते हैं 100% वो लोग फेसलिप में ऐसा करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से आपको 7 स्पीड का DCA मिलेगा 1.2 के टर्बो पेट्रोल के साथ में और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर थोड़े बहुत चांस है डीजल ऑटोमेटिक के साथ में। तो यही एक गियरबॉक्स के अंदर ही एक या फिर बात करें दो चेंजेस हो सकते हैं, बाकी इंजन ऑप्शंस के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि दो इंजन है और मोस्ट मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में मतलब सेल भी अच्छी खासी लेकर आते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से टाटा मोटर्स वहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करने वाली है। तो इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में यही सब था, आपको कौन सा इंजन और गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद आता है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हो अगर आप फेसलिफ्ट को प्लान कर रहे हो, फेसलिफ्ट के लिए रुकना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अगर आपको कोई एक छोटी सी भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है और वो आपको फेसलिफ्ट में नहीं मिलती या फिर ज़्यादा मिल जाए, मतलब कुछ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें थी। प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो 7.5 से लेके 13.5 लाख एक शोरूम आप मान के चल सकते हो, तो 15 लाख ऑन रोड गाड़ी जा सकती है जो कि टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर के साथ में मैं बात कर रहा हूँ डीजल के साथ में। तो ये सारी चीज़ें प्राइसिंग के बारे में थी। 7.5 से लेके 14.5 या फिर 14 लाख एक शोरूम आप उसको मान सकते हो। अब बात करेंगे लॉन्च डेट के बारे में जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो ऑटो एक्सपो में लॉन्च होने वाली है जनवरी में, लेकिन मार्च 2023 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी अगर ये जनवरी में ही अनवील या फिर लॉन्च कर दी जाती है तो, क्योंकि फरवरी से आपको बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगे और इस वजह से मार्च या फिर अप्रैल से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।